उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह में परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते हैं, तेरे नाम को आराधना करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर एक परमेश्वर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हमारे बीच में आने पाए प्रभु परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन सुनते हैं प्रभु, सबको परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा कार्य हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर सुनते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, हालेलुया। हर एक हृदय, हर एक कान खुलने पाए ताकि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हर एक परिवारों के ओर छूने पाए परमेश्वर। जो लोग बीमार है, जो लोग परमेश्वर इस मुसीबत में परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना करते हैं, तेरे परमेश्वर वचन हर एक जन को तसल्ली देने पाए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग खुश हैं इस संडे की आराधना में, हम सब मिलकर आपको स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, यीशु के नाम को महिमा करेंगे। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, तो आइए गीत गाएंगे, यीशु के नाम को महिमा करेंगे। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, मिलके गाएंगे। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने हो मेरे दिल को धोखे से भरा, मेरी जुबा पर इन गीतों को डाला तूने, तूने हो। कैसे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा हम मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे में जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैल से मुझे जीते, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैल से मुझे जीते। हर एक बूंद तूने उस पर बहाया, हर एक दांत तूने दांतों को पाया, मैंने मैंने हो मेरी मंजिल है मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, 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 यीशु। जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैल से मुझे जीते, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैल से मुझे जीते, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बैर सुने मुदे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है,
मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बैर सुने मुदे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बैर सुने मुदे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बैर के नाम को ऊंचा कर, यीशु के नाम को पुकारें, बोले यीशु प्रभु कैसा तेरा प्यार है यीशु मसीह, वो इस जगत में प्यार करने वाले यीशु मसीह, ओ हालेलुया, क्यों ना अपनी आवाज उठा के उसके नाम को महिमा करें, बोले यीशु से प्रभु आपका प्यार अनोखा प्यार है यीशु मसीह, आमेन हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, आमेन। आइए गीत को गाएं, यीशु के नाम को महिमा करें, जय जय नाम यीशु नाम, ये गीत सबको आता है, मिलके गा के उसके नाम को महिमा करेंगे, आमेन। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत पल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा गुण जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत पल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह
धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। क्यों ना अपनी आवाज उठा के यीशु से बोले, प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते, प्रभु आपके नाम को महिमा करते यीशु मसीह, और आपके समान को नहीं प्रभु खुदावन परमेश्वर, तू बलहीन को परमेश्वर प्रभु अपनी सामर्थ देता है यीशु मसीह। वो प्रभु उस हर एक कार्यों के लिए प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते राजू। आइए अपनी आवाज उठा के यीशु से बोले, प्रभु हम आपके नाम को महिमा करते, आपके नाम को स्तुति करते, प्रभु हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते, प्रभु धन्यवाद के साथ खुदावन परमेश्वर आपके चरणों में आते यीशु मसीह। प्रभु आपके सम्मान आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, और खुदावन परमेश्वर इस समय परमेश्वर प्रभु जब हम मिल के प्रभु आपके नाम को स्तुति करते हैं, आपके नाम को जय जयकार करते हैं प्रभु, आप हर एक स्थान में परमेश्वर जहां आपके नाम को लिया जाता है प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके सम्मुख में आते यीशु मसीह राजा, और धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ प्रभु आपके सम्मुख में आते यीशु मसीह। आमेन। आइए गीत को गाएं, यीशु के नाम को महिमा करें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, और प्रभु से बोलेंगे मिलके, प्रभु हम आपके लिए प्रभु स्तुति गाते हैं राजा। Oh,
कोटि कोटि स्तुति। आमेन। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह प्रभु, आपके नाम को महिमा करते हैं। क्यों ना हम सब अपनी आवाज उठा के यीशु के नाम को महिमा करें। बोले यीशु से प्रभु, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते यीशु मसीह प्रभु, आपके चरणों में आते यीशु मसीह। आप प्रभु इस जगत के कर्ता हैं यीशु राजा, प्रभु आपने संसार को बनाया यीशु मसीह, हमें अपनी महिमा के लिए चुना यीशु मसीह, हम महिमा के योग्य परमेश्वर प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं राजा, स्तुति के योग्य हैं, आराधना के योग्य हैं प्रभु। हम क्यों ना सब मिल के उसके नाम को महिमा करें, इस सुबह के समय उसके नाम को ऊंचा करें। बोले यीशु मसीह से प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते राजा, प्रभु इस विश्राम दिन में खुदावन प्रभु आपके नाम को परमेश्वर महिमा देते राजा, स्तुति योग्य तू है, महिमा योग्य तू है राजा। ओ हालेलुया, ओ मिलके क्यों ना धन्यवाद कर यीशु को, तेरे लिए यीशु मैं हालेलुया, मैं धन्यवाद करते यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु, स्तुति महिमा योग्य आदर योग्य आप हैं यीशु मसीह। क्यों ना हम सभी कलेशिया के लोग, जितने लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, क्यों ना उसके नाम को महिमा करें। बोले यीशु से प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं राजा, आपके नाम को स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि आपके समान कोई नहीं प्रभु, इस आकाश के प्रभु ऊपर इस धरती के नीचे कोई नाम नहीं प्रभु। हालेलुया, क्यों ना अपनी आवाज उठा के बोले प्रभु से, हो धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, पिता परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख आपके चरणों में आते प्रभु यीशु मसीह, आप महिमा आदर योग्य हैं राजा प्रभु। हम सब मिलके प्रभु आपके नाम को स्तुति करते प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते राजा प्रभु, कि आपने हमें चुना प्रभु अपनी महिमा अपने राज्य के लिए यीशु मसीह राजा। हम धन्यवाद करते इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सभी को आप आशीष करें यीशु मसीह, अपनी आत्मा से अपने ज्ञान से भरे खुदावर, आगे के सभी कार्यों को वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप हमसे बात करें प्रभु, आप दिन भर की रोटी हमें आज दे राजा प्रभु, ताकि खुदा आपके नाम को महिमा कर सके राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी दुआओं को हमारी प्रार्थनाओं को सुना राजा, धन्यवाद के साथ प्रभु ईसाई प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मानते हैं। सभी मिलके बोले आमेन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उपस्थिति के लिए। क्यों ना बिल्कुल इस समय में हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, निकालेंगे भजन संहिता, और 80 हम पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 714 है भजन संहिता 80। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सो करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। ए प्रेम बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर कर उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उनके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया है। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चढ़ जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से धन्यवाद देकर देख और उस दाखलता की सुधी ले। ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है,
वे जल गई हैं, वे कट गई है, तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएंगे। तेरे दाहिने हाथ को संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखे उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए डेट किया है। तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे यहोवा के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इस वचन को पढ़े जाने में सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं सुबह के समय में परमेश्वर के उपस्थिति में। वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मे भी इस सुबह के समय में हो सकता है कि कई परेशानियां चुनौतियां होंगी, पर इस सुबह के समय में जब आप अपने दिल में एक आनंदित और एक खुशी को लेकर आएंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का जो आनंद है वो आपको छोड़कर वापस कभी ना जाए। आमीन। इस सुबह के समय में ये मेरा सौभाग्य है कि पासवान एलाइजा हमारे बीच में है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। जब भी पास्टर एलाइजा हमारे बीच में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो परिवार के हिस्से ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं। हमेशा वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारे लिए पासवान हमारे कलीसिया में आके प्रचार करें। इस सुबह के समय मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में एक नया अद्भुत काम करेगा। जब भी परमेश्वर का वचन आता है, अपना उम्मीद अपनी आशा परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर ज़रूर इस सुबह के समय में बात करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और पास्टर एलाइजा हमारे बीच में आएंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुबह के समय के लिए। इस सुबह के समय में जितने लोग परमेश्वर इस हिंदी आराधना में परमेश्वर मौजूद हैं, होने दीजिए परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करुणा इस सुबह के समय में हर एक के जीवन में आ जाए। परमेश्वर जितने लोग इस आराधना में मौजूद हैं परमेश्वर, आपके वचन उन सब के जीवन में काम करने पाए। हम में से कोई भी सिर्फ सुनने वालों में से नहीं परमेश्वर, उस वचन को करके दिखाने वालों में से बने। इस आराधना के बाद परमेश्वर कहीं से लोगों के जीवन में होने दीजिए गवाहियाँ आने पाए। परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं आपका आदर आपकी महिमा परमेश्वर, हम इस सुबह के समय में करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम तालियों के साथ पास्टर एलाइजा का स्वागत करें और परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देते हैं। हमारा परमेश्वर महान और उत्तम परमेश्वर है। क्या ही सौभाग्य है कि हम इस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस वजह से जहाँ कहीं से भी हम आराधना क्यों ना करते हों, हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर उपस्थित है। इसीलिए मैं हर वक्त हर एक को मैं प्रोत्साहित करता हूँ, चाहे आप घर में से क्यों ना आराधना करते हों, परमेश्वर की भवन में आते समय आप जैसे सजदज के तैयार होके आते हैं, वैसा ही आप तैयार होके प्रभु की आराधना करें। इसीलिए नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, मगर इसीलिए कि हमारे परमेश्वर को हम आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर की उपस्थिति उत्तम है और वो हमारे विश्वास को दिखाता है कि जैसा मैं कलीसिया में जाते वक्त तैयार होके जाता हूँ, वैसा ही आज के दिन प्रभु की आराधना का दिन है, इसलिए मैं तैयार हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छी आराधना के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने बहुत ही अद्भुत आराधना में अगुवाई दिए हैं। प्रभु ने आशीष दें और हमने और आपने परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव किया है और अभी हमारे बीच में है। और इस वक्त मैं अपने पासवान पास सोलोमन किंग्स को, उनके परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस नाचिस को भी उन्होंने योग्य समझा कि आज आपके बीच में प्रभु के वचन में प्रचार कर सकूं। और कलीसिया के हर सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें और विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। हम सब कल के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को जो है हमने मनाया है। हमारे राष्ट्र में कल के दिन जो है अध्यापकों का दिन मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। और जबकि स्कूल्स बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, फिर भी ऑनलाइन के द्वारा या किसी ना किसी साधन के द्वारा अपने अपने टीचरों को उन्होंने सम्मान किया है और उस दिन को यादगार दिन बनाया है, मनाया है। तो इसी चीज़ों को मध्य रखते हुए जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया एक महत्वपूर्ण बात, उसी चीज़ को मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात, हमारी भेंट एक उत्तम अध्यापक से हुआ है, उत्तम शिक्षक से हुआ है, उत्तम हमारे सबसे श्रेष्ठ एक रबी से हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, हमारा मुलाकात एक ऐसे श्रेष्ठ टीचर से हुआ है जो सारे टीचर, संसार के कोई भी टीचर क्यों ना हो, उन सबसे भी उत्तम है और सबसे श्रेष्ठ हैं।
एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति, हम सब उन्हें जानते हैं, गूगल के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति मिस्टर पिचाई, बहुत ही जो उत्तम स्थानों में हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को मैं गूगल में देख रहा था कि वो अपने जो है स्कूल के समय की अपने अध्यापक से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने फ्लाइट लिया, फ्लाइट लेकर केरला तक पहुँचे। केरला पहुँचने के बाद वहाँ एक उत्तम शॉप में गए, दुकान में गए कि उनके लिए एक अच्छा वस्त्र खरीद नहीं पाए। उन्होंने खुद जांच कर जो है उन्होंने एक वस्त्र खरीदा और अच्छे तोहफा लेकर वो उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं एक गहरी गांव के अंदर, केरला के एक गांव के अंदर। और वह जाके उनसे मुलाकात किया, उस टीचर से बहुत खुश हो गए, टीचर बहुत ही खुश हुई और आपस में बातचीत करने लग गए कि स्कूल के दिनों में ये कैसे थे, क्या हुआ करके, क्यों ये टीचर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है करके वो बताने लगे। इस संसार में अपने ऊंचे पदवी में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी स्कूल की टीचर को याद करते हुए ऐसा एक कार्यक्रम किया कि लोगों को बताने के लिए कि हम अपने टीचरों को आदर करें। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने और आपने जो है एक ऐसे टीचर से मुलाकात किए हैं, ऐसे एक अध्यापक से मुलाकात हुई है और वो इस संसार के सारे अध्यापकों से श्रेष्ठ हैं और महान हैं। हर एक टीचर, हर एक अध्यापक का यही रहता है कि मेरी शिक्षा के द्वारा, मैंने जो सिखाई है उसके द्वारा मेरे बच्चे जो है, मेरे छात्र जो हैं, मेरे स्टूडेंट जो हैं प्रेरित किया जाए और वे एक अच्छे ज़िंदगी जीने पाएँ, अपने जीवन में एक अच्छे स्तर में आने पाएँ। यही जो है हर एक अध्यापक का उद्देश्य रहता है कि मेरे शिक्षा के द्वारा अपने जीवन में एक उत्तम स्थान में आने पाएँ, एक ऐसे स्थान में आने पाएँ जहाँ लोग उन्हें जानने पाएँ और उनके बारे में प्रशंसा करने पाएँ। संसार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी यादगार याद में आज भी हम उन्हें सम्मान करते हैं, मगर आज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम टीचर हैं, सबसे श्रेष्ठ टीचर है। जब उनसे मुलाकात होता है तो हमारे जीवन में क्या हुआ है, क्या होता है करके आज मैं बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हम और आप भूल जाते हैं, इस शिक्षक को हमारे जीवन में बार बार उन्हें स्मरण करें, बार बार उन्हें हम आदर दें। एक साधारण संसार की ऊंचे पदवी में रहने वाला व्यक्ति अपने अध्यापक का इतना आदर दे सकता है कि उन्हें ढूंढते हुए उस गांव तक उसने पहुंचा, तो हम और आप हमारे अध्यापक, सबसे श्रेष्ठ अध्यापक यीशु मसीह के लिए हम अपने आदर कैसे देते हैं। और इसी चीज को याद दिलाने के लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस अध्यापक से मुलाकात करने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला, हमारा जीवन जो लक्ष्यहीन था, जहां पे कोई उद्देश्य नहीं थी, जहां कई बार कई जगह में भटके हुए थे, इस अध्यापक ने हमारे जीवन में मुलाकात करके उन सारे चीजों को बदल कर सही दिशा में लगा दिया है, सही दिशा की ओर हमें ले चलते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने जिंदगी भर मछली पकड़ा है और वो उसकी पेशा ही जो है मछली पकड़ने का है। उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला, हारा हुआ था, निराश था, दुखी था और उसके पास ये अध्यापक पहुंचा। वचन कहता है 5वें अध्याय के 3रा पद, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 3रा पद कहता है, यीशु मसीह पत्रस के नाव में चढ़ने के बाद उसे विनती किया कि उसे थोड़ा अंदर ले जाएं, और नाव थोड़े अंदर ले जाने के बाद वचन कहता है यीशु मसीह ने उस नाव में से लोगों को उपदेश देने लगा, शिक्षा देने लगा, उनको सिखाने लगे, क्योंकि बहुत सारे भीड़ आई हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि जानते हैं यीशु मसीह एक ऐसा शिक्षक है, एक ऐसा अध्यापक है, उसकी शिक्षाएं मूर्खों को बुद्धिमान बना देता है और बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है, उसकी शिक्षा इतनी ज्योतिर्मय करता है अंधेरे में भटके हुए लोग भी सही दिशा में आ जाते हैं। इसीलिए उसकी शिक्षा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे और उस दिन यीशु मसीह ने पत्रस से मुलाकात किया, पत्रस के नाम को इस्तेमाल किया ताकि उसमें से वो शिक्षा देने पाए, उसमें से वो सिखाने पाए। और वचन कहता है, आगे पढ़ते हैं, शिक्षा देने के बाद, उपदेश देने के बाद यीशु मसीह ने पत्रस को समुद्र की गहराई में ले गए और उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार किया।
वो निराश में था, हारा हुआ था, मगर उस दिन की वो उपदेश उसके जीवन में ऐसे कार्य किया, वो कहने लगा, हे गुरु, हे स्वामी, हे प्रभु, रात भर मैंने प्रयास किया, मुझे कुछ नहीं मिला, मगर आज आपके कहने पर मैं जाल डालने वाला हूँ। हाँ, अभी तक मैं अपने प्रयास से कार्य की, मगर आज मैं आपके कहने के अनुसार मैं जाल बिछाऊंगा। जैसे उसने जाल बिछाया, जाल डाला, बहुत सारे मछली उसने पकड़ी करके वचन कहता है। और जब वापिस आता है किनारे पे, वो उसके पाँव के तले गिर के कहता है, मुझसे दूर हो जाओ प्रभु, मैं पापी इंसान हूँ। यही होता है इस अध्यापक से मुलाकात करने में, हमारी पहचान होती है कि हम कैसे हैं, क्या किए हैं, कैसा हमारा ज़िंदगी है। और मैं बताना चाहता हूँ, और उस ज़िंदगी को ऐसा ही नहीं रखते हैं, इस अध्यापक से मुलाकात करने के द्वारा वो ज़िंदगी परिवर्तित हो जाता है। वचन में पढ़ते हैं, 10वें पद में यीशु ने उससे देख के कहा, अब से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मनुष्य की मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया, कितने महान परमेश्वर है, देखिए कितना बड़ा अध्यापक, देखिए कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो, जब आप इस अध्यापक से मिलते हैं, वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। मैं बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में मुझे आज भी वो पल याद हैं। सेंट माइकल स्कूल जो पूसा रोड में है, उसी में मैंने पढ़ाई की, और 10वीं क्लास में फेल हो गया था। बहुत ही निराश होकर मैं इस गोल चक्कर में बैठे टूटा हुआ सोच रहा था कि मैं कैसे अपने माता पिता से मुलाकात करूंगा, कैसे उनको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत सारा आशा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छा जो अपने जीवन में कार्य करेगा, मगर हार गया था। और उस वक्त सोच रहा था क्या किया जाए, और मेरे अंदर एक ही आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस अध्यापक ने मेरे जीवन में उस दिन एक हौसला लेके आया, कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गया, अपने घर वालों को बताया, घर वाले कहने लगे चलो देखते हैं, अगले बार देख लेते हैं। मगर उनके अंदर एक निराशा आ गया था, ये सोचकर ये क्या बनने वाला अपने जीवन में, क्या होगा अपने जीवन में। बताना चाहता हूँ, अगर मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं होते, मैं भी सड़कों में भटकता रहता कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा नौकरी मिल जाए ताकि मेरी ज़िंदगी संवारने पाऊँ, ज़िंदगी चलाने पाऊँ। आज भी मुझे याद है, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इस वजह से बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिला उनको, ज़िंदगी में भटकते रहते हैं, यहाँ कुछ नौकरी, वहाँ कुछ नौकरी, थोड़े मोटे जो है वो जो है कमाई कमाते हैं। मगर मेरी ज़िंदगी में यीशु आने के कारण, मेरी ज़िंदगी में यीशु पहुँचने के कारण मेरी ज़िंदगी को उन्होंने परिवर्तित किया। मैं बताना चाहता हूँ, आज प्रभु के अनुग्रह से 2 मास्टर डिग्री प्रभु ने मुझे दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु ने आज अनुग्रह दिया है कई लोगों को शिक्षा देने के लिए। और प्रभु की अनुग्रह है, जहाँ मैं शिक्षा दिया हूँ, जिन बच्चों को, जिन छात्रों को मैंने शिक्षा दिया है, वे सब बड़े आदर के साथ देखते हैं, बड़े प्रशंसा करते हैं। मेरे घमंड के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अध्यापक से जब हमारी मुलाकात होती है, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाता है। आज कई लोग अपने कॉलेज में बुलाते हैं, कहते हैं क्या आप हमारे कॉलेज में पढ़ाएंगे, क्या एक सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा शिक्षक हूँ, मगर इसलिए क्योंकि प्रभु मेरी ज़िंदगी में है, सबसे बड़े अध्यापक मेरे जीवन में हैं। और इस अध्यापक से मुलाकात करने में हमारे जीवन में यही परिवर्तन आता है। दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अध्यापक से मुलाकात करने में क्या होता है। जो जीवन में भटके हुए हैं, असमंजस में हैं, उन्हें परमेश्वर फिर से उनके जीवन में जो रोशनी ले आता है, ज्योति ले आता है। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 27वें पद में अगर आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 27 पद, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु मसीह जी उठने के बारे में बताई गई। यीशु मसीह जी उठने के बाद काफी लोगों को अपने आप को दर्शन दिया, चेलों को दिखाया, पहले मां मरियम मगदलीनी को दिखाया, उसके बाद अपने आप को चेलों को दिखाने लगे। तो वचन कहता है वहां पर 2 ऐसे चेले थे जो एमाऊर के ओर वो जा रहे थे, एमाऊर के ओर रास्ते में थे,
ऐसे रास्ते में जाते समय वे सब ऐसे असमंजस में थे, ये दोनों इतने घबरा गए थे, इतने असमंजस में थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की, अपने अध्यापक की मौत इस प्रकार देखा कि ऐसे खतरनाक मौत था। पूरी तरीके से उसे सताया गया, पूरी तरीके से उसे कुचला गया और बहुत ही जो है वो दुर्दशा में पड़ा हुआ था और ऐसी मौत क्रूस पे उन्होंने मरा है। तो उसके बाद उन्हें कोई आशा नहीं था कि स्वामी वापस आ सकते, गुरु वापस आ सकते हैं। तो रास्ते में बात करते हुए कहने लगे कि देखो, हमारे बीच में से एक महिला ऐसे कह रही थी उसने यीशु मसीह को देखा है, मगर हमने तो यीशु मसीह को मरते हुए हमने देखा है। तो वचन कहता है ये स्वामी, ये गुरु जो है उनके संग जुड़ गया, उनके साथ साथ चलने लगा। और ये 27वें पद में कहता है, खास रीति से यीशु मसीह जब उनके साथ चलता रहा, उनसे पूछा क्या बात कर रहे हो, किस बात में चर्चा कर रहे हो, क्या तुम्हारी बात तेरे दिल को है जो है वो आपको दुखी दे रहा है, आपके दिमागों को परेशानी कर रहा है, क्या वो बात है। ये सब बताने के बाद 27वें पद कहता है, मूसा से लेकर, आरंभ से लेकर, मूसा से लेकर यीशु मसीह तक की हर बातों की शिक्षा उन्हें सिखाया, उन्हें याद दिलाया। मैं बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा अध्यापक है जो आपके जीवन के असमंजस परिस्थिति में आपके साथ चलते हैं, आपके जीवन के ऐसे परिस्थिति में जब आप सोचते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, उस वक्त बाकी संसार के कोई भी शिक्षक हो, कोई भी अध्यापक आपके साथ नहीं आ सकते। प्रभु के अनुग्रह से 1995 से मैं प्रभु की सेविकाई कर रहा हूं, प्रभु की सेवा में संपूर्ण समय में सेवा कर रहा हूं। अपने जीवन में कई ऐसे शिक्षकों से मुलाकात हुई जिन्होंने कई शिक्षाएं मुझे सिखाए, सेवा कैसा करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कई बातें ऐसे सिखाई हैं। तो कई बार आज मैं अपने जीवन में जब परेशानी में रहता हूँ, असमंजस में रहता हूँ, कुछ अध्यापक मेरे जीवन में याद आते हैं, सोचता हूँ मैं क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकूँ, शायद मैं उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकूँ, पूछूँ मैं कि क्या करूँ, मैं आगे मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मगर काफ़ी लोग हैं जो हमसे दूर हैं, जिनके तक हमें पहुँचने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, या कुछ लोग हम सोचते हो कि फ़ोन करके बात करेंगे मगर वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए मौका नहीं मिलता है उनसे फिर से मुलाकात करने में, बात करने में। कई बार ऐसे सोचता अपने जीवन में, काश इनसे मैं बात कर पाता, इस टीचर से मैं जाके समय व्यतीत कर सकता। मगर मैं बताना चाहता हूँ, संसार के अध्यापक शायद आपके लिए उपलब्ध हो या ना हो, आपके साथ चले या ना चले, मगर हमारा अध्यापक यीशु मसीह आपके लिए उपलब्ध है, वो आपके साथ साथ चलेंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको जिस रास्ते में चलना है, जो आपको करना है वो आपको सिखाएंगे। वो हमारे संग संग चलने वाले अध्यापक हैं। पहले मैंने बताया वो आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं, दूसरा आपके जीवन के साथ साथ चलते हैं, तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिए मेरे प्रियजनों। हो सकता है आप और हम सोचते होंगे हम तो जानते हैं, मगर मैं बताना चाहता हूँ, वचन हमें स्मरण दिलाता है, वचन हमें याद दिलाने की पुस्तक है, वचन हमें याद दिलाता है हम कहाँ हैं और कैसे हैं। जैसे मैंने बताया, पत्रस मायूस परिस्थिति में था, हारा हुआ परिस्थिति में था, ये अध्यापक आया, उसकी नाव में से शिक्षा दिया, उपदेश दिया, उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, उसके जीवन के लिए एक लक्ष्य दिया है। और इन दो चेलों ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पे ऐसे मरते हुए देखकर भटक चुके थे, सोच रहे थे आगे क्या होगा। इस महामारी के परिस्थिति में बहुत सारे लोग आप ऐसे हैं, आपकी नौकरी निकल गई है, आपकी व्यवसाय ठप हो चुका है, काफ़ी चीज़ों में आप ऐसे परेशानी में परिस्थिति में हैं, सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के चरणों में आइए, यीशु से प्रार्थना करिए, ये वचन से प्रभु आपसे बात करेंगे, वचन से आपको सिखाएंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और मैं बताना चाहता हूँ, सही मार्गों में वो आपको ले चलेंगे, सही दिशा में वो आपको ले चलेंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन है, वचन लेके प्रार्थना करिए, वचन के द्वारा प्रभु आपके मार्गदर्शन करेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अध्यापक ऐसा अध्यापक है जब कभी आप
दुख की परिस्थिति में होते हैं, परेशानी की परिस्थिति में होते हैं, मुसीबत के परिस्थिति में होते हैं, वो आपके लिए आकर आपके दुखों को पलट देते हैं, आपके दुखों को बदल देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय उसके 16 पद में वहां पर पढ़ते हैं मरियम मगदलीनी के बारे में। इसकी शुरुआती पदों में अगर पढ़ेंगे, वचन कहता है भोर के समय कुछ महिलाओं ने जाने लगे कब्र की ओर, यीशु जहां दफनाया गया था, ताकि यीशु की शव के लिए, यीशु की लाश के लिए कुछ सजावट कर सकें, उसे श्रृंगार करने पाए। और जैसे वहां पहुंचे, वहां पे उनको जो है देखा कि कब्र खुला हुआ है और यीशु की शव वहां पर नहीं है, लाश वहां पर नहीं है। वचन कहता है बाकी सब चले गए मगर मेरे मरियम मगदलीनी वहीं पर रुकी हुई थी, वहीं पर वहां पर थी, ढूंढ रही थी कि यीशु कहाँ है, यीशु के लाश किस ले गया, कौन ले गया है। तब जाके चेलों को बताती है, चेले लोग आके देखते हैं, चेले लोग भी वापस चले गए। उसके बाद इतनी टूट चुकी थी, वो रो रही थी, आंसू में थी, दुखी थी कि कौन था कि मेरे स्वामी की, मेरे गुरु की शव को किसने उठा लिया है। ऐसे परिस्थिति में, आंसू में टूटी हुई एक परिस्थिति में, आंसुओं के साथ जब खड़ी थी, 16 पद कहता है यीशु से दर्शन हुआ। जब यीशु ने उसे नाम लेके पुकारा, मरियम मगदलीनी तुरंत उसने पहचान लिया, ये तो मेरा गुरु है जिसके चरणों में मैं बैठा करती थी, जिसके चरण में बैठकर मैं उसकी आवाज सुनी करती थी, जिसके पांवों को मैंने इत्र से अभिषेक किया, अपने आंसुओं से उसे भिगाया, अपने बाल से पोछा है, ये तो मेरे स्वामी हैं। तो वचन कहता है वो तुरंत चिल्लाकर कहने लगी हे रबोनी, जिसका मतलब है हे मेरे गुरु, यू आर माई टीचर, तू मेरा शिक्षक है, तू मेरा गुरु है, तू मेरा अध्यापक है। उस दिन यीशु मसीह जो मृतकों से जी उठा है, वो सीधा चेलों के पास नहीं गया कि ये दिखाने के लिए जो मैंने बताया वो पूरा हो चुका है, ना कि सीधा माता मरियम के पास गया ये बताने के लिए जिस बेटे की तूने जन्म दिया है वो परमेश्वर का पुत्र है, ये साबित हो चुका है कि आज मैं मृतकों से जी उठा हूं। इन लोगों के पास नहीं गया, या उसे मारने वाले के पास जाके ये नहीं कहा तुमने तो मुझे क्रूस पे मार डाला, देखो मैं जी उठ गया हूं, कहीं नहीं गए, मगर सबसे प्रथम यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया और कहा डरो मत। उसके आंसुओं को उस दिन आनंद में यीशु ने पलट दिया है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, हमारा एक ऐसा अध्यापक है हमारे दुख, हमारे परेशानी में, हमारे मुसीबत में हमारे लिए आकर हमें तसल्ली देने वाले हैं। संसार के कोई भी अध्यापक हमारे साथ नहीं आ पाते हैं, हमारे मुसीबत के समय में हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए हमारे मित्रगण भी नहीं रह पाते हैं, मगर मेरा यीशु मसीह जिंदा, जीवित, जिंदा खुदावन हमारे लिए उपस्थित है ताकि आपके और मेरे आंसुओं को पहुँच सके और बड़े आनंद हमें देने पाए, तसल्ली हमें देने पाए, एक बड़ा हौसला हमारे लिए देने पाए। मेरे प्रियजनों, मैं आज ये क्यों बता रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं, यह अध्यापक आपके जीवन को पलट दिया, सही दिशा की ओर, सही लक्ष्य की ओर लगा दिया। यह अध्यापक आपके जीवन के सारे मुसीबतों को अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने वचन के ज्ञान के द्वारा उसे जो है उसे हल दिया और ताकि आप और हम सही दिशा में जाने पाएं। यह अध्यापक हमारे लिए दुख को सहा ताकि हमारे दुखों को आनंद में बदल दें। हमारे लिए उसने क्रूस को उठाया ताकि हम अनंत जीवन को अनुभव करने पाएं। क्या इस अध्यापक से हमारे मुलाकात हुआ है? क्या हम इस अध्यापक को आदर देते हैं? एक साधारण इंसान इस संसार में ऊंची पदवी में आने के कारण अपने अध्यापक को याद रखते हुए, अपने टीचर को याद रखते हुए इतना दूर सफर करके आया, इतना कुछ किया करके उसने वीडियो डाल सकता है, तो हमारे और आपके जीवन के लिए यीशु मसीह ने इतना कुछ किया है, तो क्या हम अपने जीवन से यीशु की आदर करते हैं? हर एक अध्यापक का एक ही लक्ष्य रहता है, उसका छात्र ऐसा बने, अपनी जिंदगी में ऐसे स्थान में आए जहां वो अपने अध्यापक को जो है उस आदर दे सकें, वो सम्मान दे सकें।
हर अध्यापक का ये लक्ष्य नहीं रहता है कि आप अच्छा मार्क कमाएं, मगर उनका ये रहता है जब आप जीवन में बढ़ के आए कहीं ना कहीं आप कह सकें मेरे जिंदगी की ये स्तर का वजह मेरे अध्यापक है, मेरे टीचर है। मैं बताना चाहता हूँ प्रियजनों, यीशु मसीह ने अगर हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम और आप कर्जदार हैं, हम और आप जिम्मेदार हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, यीशु मसीह की महिमा करें। क्या आप इस अध्यापक से मुलाकात किए हैं? अगर नहीं, आज आपके लिए मौका है, वो आपके बगल में है, आपके जीवन के परिस्थिति को जानकर आपके लिए चमत्कार करने के लिए। अगर आपने इस अध्यापक को जाना और फिर से जो है अपने मन के अनुसार जाने की प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, आइए वापस यीशु के चरणों में, यीशु की शिक्षाओं को फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए और अपने जीवन में इस अध्यापक को आदर दें। जो कोई उसे आदर देता है, जो कोई उसे सम्मान करता है, हमारा प्रभु परमेश्वर उसे भी सम्मान करेंगे। मैं आज आपको यही प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, इस टीचर को, सबसे बड़े गुरु को, हमारे यीशु मसीह को कभी मत भूलिए, उसके साथ साथ चलिए। वो आपके लिए हर वक्त उपस्थित हैं, आपके आंसुओं को पहुंचकर आपको आनंद देने के लिए और आपके ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाने में, एक सही लक्ष्य लाने में। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम मिलकर आज हम सब अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करें, उसके शिक्षाओं के लिए समर्पण करें, मान लें यही हमारा सच्चा गुरु है, यीशु ही मेरी जिंदगी के उत्तम गुरु हैं, उत्तम शिक्षक हैं। आइए मिलकर उससे कहें कि प्रभु, हाँ प्रभु, आप ही मेरा उत्तम गुरु है। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, इस वचन को सुनने वाले हर एक के लिए जो अपने जीवन में असमंजस में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना है, गुरु हमारे सही शिक्षक वचन से उन्हें सिखाइए कि उन्हें क्या करना है, मार्गदर्शाइए प्रभु। प्रभु जो कोई टूटे हुए हैं इस महामारी के वजह से, पीड़ित हैं, दुखी हैं, या अपने प्रियजनों को खोने के वे दुख में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनके जीवन में एक बड़े आनंद को ले आएं, उनके आंसुओं को पोंछे। अगर कोई बीमार और पीड़ित है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप एक ऐसा गुरु है जो सिर्फ शिक्षा देने वाले नहीं, सामर्थ्य कार्य करने वाले हैं, उनके ऊपर अपने हाथ बढ़ाइए, छुइए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें स्वतंत्र करिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन में आप एक गुरु बनकर उनके संग संग चलिए ताकि आपके नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं इस सेविकाई के लिए, फुल लाइफ असेंबली ऑफ गॉड के लिए और पास्टर सॉलोमन किंग्स उनके परिवार के लिए, हर एक लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप आशीष दें, इस सेविकाई में आपके अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करता हूँ इस सेविकाई फलवंत होने पाए और हर तरफ से आपके आशीषों में बढ़ने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आमेन। पास्टर एलाइजा का शुक्रिया करता हूँ कि वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर आए। आज परमेश्वर ने जरूर हम सबसे बात किया है, जैसे हमने वचन सुना, क्यों ना सुबह के समय में हम सब अपने आंखें बंद करके इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर को दें। बोले परमेश्वर, जैसा वचन परमेश्वर हमारे बीच में आया है, आप हमारे अच्छे गुरु हैं, आप हमारे सच्चे परमेश्वर एक गुरु हैं परमेश्वर, जो हमेशा हमें सिखाते हैं, जो हमेशा हमसे बात करते हैं। आपके जैसा महान कोई भी नहीं है, आपके जैसा यहोवा कोई भी नहीं है। कितने लोग इस सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, कितने लोग हाथ उठा के परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं है, परमेश्वर आपके जैसा यहोवा कोई भी नहीं है। आदि से लेकर परमेश्वर आप इस संसार में हैं, परमेश्वर आपने इस संसार को बनाया, आपने हमें बनाया परमेश्वर, इस ज्ञान को आपने हमें दिया परमेश्वर। इस सुबह के समय में हम सब आपका दंडवत करते हैं, इस सुबह के समय में हम सब परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां,
उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। सब बोले मिलके, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में आप महान हैं, आपका करुणा महान है परमेश्वर, आपका दया महान है परमेश्वर, आपका वचन महान है परमेश्वर। इस सुबह के समय में जितने लोग इस आराधना को देख रहे हैं, जितने लोग आपकी आराधना को कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दीजिए आपकी शांति, आपकी महिमा, आपकी करुणा परमेश्वर सबके जीवन में पहुंचाए परमेश्वर। जितने विश्वासी परमेश्वर इस सुबह के समय में मौजूद है, हर एक के जीवन में एक नया अद्भुत काम हो जाए परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर उनके जीवन में एक रोशनी बन जाए, जिस रोशनी को परमेश्वर वो लेकर दुनिया में आशीष बनने पाए परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंप दें परमेश्वर। हर एक परिवार में आपकी महिमा, आपकी करुणा परमेश्वर आ जाए। जितने परिवार मुश्किलों में है, परेशानी में है, इस सुबह के समय में परमेश्वर एक नया अद्भुत काम उनके जीवन में हो जाए परमेश्वर। सारे बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, सारे बीमार लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक सुबह हर एक भोर में परमेश्वर जब प्रार्थना होती है परमेश्वर, हम सबसे अब बात कीजिए। हर एक दिन परमेश्वर अपने राह में हमें चलाइए, हर एक दिन परमेश्वर हमें रोशनी दिखाइए। हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर आपने हमें संभाला, आने वाले हफ्ते पूरा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक दिन परमेश्वर आपके वचन के साथ आपकी उपस्थिति को लेकर हम दिन का शुरुआत करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और यदि मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ तुम मुझसे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर हमें से हर एक कोई आपके वचन में बने रहे, हमें से हर एक कोई आपकी उपस्थिति में बने रहे और आप हमसे बात करें परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी करुणा को हम मांग लेते हैं परमेश्वर। आप आशीष कीजिए, ये पूरा हफ्ता आप हमारे साथ रहिए। आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। लगातार प्रार्थना में आते रहिए और लगातार वचन को पढ़ते रहिए। परमेश्वर जरूर हम सबके जीवन में एक नया अद्भुत काम करेगा। सबको जय मसीह।